अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लूकोफेज टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम ग्लूकोफेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे कि इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के अलामत को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। दोस्तों, ग्लूकोफेज के अंदर हमें जो कंटेंट या इंग्रेडिएंट मिलता है वो है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसको 1950 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मेटफॉर्मिन दोस्तों एक एंटी डायबिटिक एजेंट है, यानी इसका ताल्लुक शुगर के मर्ज से है। पहले दोस्तों इसके इस्तेमाल की बात करते हैं कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ग्लूकोफेज को शुगर वाले मरीज़ और मोटे लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले शुगर वाले मरीज़ों की बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रहे दोस्तों कि डायबिटीज़ जो है वो 3 किस्म की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है दोस्तों वो अर्ली एज में होती है, यानी बचपन से लेके 20 साल में आपको हो सकती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मोस्टली 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में होती है। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ दोस्तों ये टेम्परेरी है, ये आरजी होती है जो सिर्फ औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान होती है। जब प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो ये भी ख़त्म हो जाती है। ग्लूकोफेज टैबलेट या मेटफॉर्मिन टैबलेट्स दोस्तों ब्लड यानी खून से शुगर के लेवल को कम कर देती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए एक अच्छी बात है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन हमारे जिगर यानी लीवर पर भी असरअंदाज होती है और लीवर जिस ग्लूकोज को बनाता है ये उसको कम कर देती है और हमारे जिगर से ग्लूकोज का जो रिलीज़ होना है वो कम हो जाता है, जिससे शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा ये इंसुलिन को प्रॉपर काम करने में मदद देती है, उसकी रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है, ताकि प्रॉपर जो इंसुलिन है वो हमारे सेल्स तक जाए। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो हमारे पैंक्रियाज यानी लबलबे में बनता है और हमें डायबिटीज़ के मर्ज़ से महफूज रखता है या शुगर के मर्ज़ से हमें बचाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्लूकोफेज इस्तेमाल करने से हमारा वज़न या मोटापा कैसे कम होता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से मोटापा कम होता है वो इसलिए कि ये भूख को कम कर देती है। जब भूख कम होगी तो बॉडी में फैट भी कम जाएगा और मोटापा कम हो जाएगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, वेट लॉस करने के लिए हमें हमारी डाइट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा, एक बैलेंस डाइट लेनी होगी जिससे हमारा मोटापा कम हो। इस्तेमाल या यूज़ की बात करें दोस्तों, तो शुगर वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल खाने के फौरन बाद या खाने के दरमियान में कर सकते हैं, और मोटापे के लिए जो लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल खाने के बाद करें। पहले आप इसका इस्तेमाल खाने से ना करें, खाने खाने के बाद में ही इसका इस्तेमाल करें। याद रहे दोस्तों कि इसका इस्तेमाल आप 500 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इसके ओवरडोज से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओवरडोज किसी भी मेडिसिन के आप लें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट कुछ मेडिसिन्स के ओवरडोज ना लेने के बावजूद भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसी तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें वोमिटिंग है, डायरिया है, आपको पेट में गैस ज़्यादा बन सकती है, आपके स्टमक में पेन हो सकती है, आपको वीकनेस ज़्यादा फील हो सकती है, आपके मसल्स में दर्द हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है कि मोटे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ज़रूरी नहीं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ही इसका इस्तेमाल करें, आप इसको मोटापे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापे की वजह से बहुत सी औरतों को मेंसेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है।
तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों पसंद आएगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में इसके रिलेटेड पूछ लें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने आसपास का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।